ਨਿਊ ਫਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਕਸਬਾ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੌਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਜਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਤ ਭਰ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ऐसा मतलब हम रात के 10 बजे आए अपना काम करके और ये बच्ची खेलते खेलते जो है घर के सामने ये जो सामने पटरी है इसी पे मतलब सो गई। कुछ बंदे और भी बैठे थे, इसकी माँ इसकी नानी ये लेटरिंग करने के लिए चले गए। हम घर में आके अपना फ़ोन वोन ढूंढने लगे, कपड़े उपड़े बदलने लगे। इतनी देर में 10:15 बजे के टाइम लाइट गई है, लाइट जाने पर ये बच्ची गुम हो गई वहाँ से। फिर 10:30 बजे मैंने खाना उना खाने को बुलाया, देखा कि बच्ची नहीं है मेरी, तो फ़ौरन इसे तलाश किया ढूँढा। जब ये नहीं मिली, पहले अपना चारों तरफ देख लिया जहाँ जहाँ मेरा मतलब ऐसा था कि कहीं खेलने वेलने चली गई हो, कहीं लेटरिन बाथरूम चली गई हो। जब कहीं नहीं मिली तब जाके थाने में रिपोर्ट लिखाया, पुलिस आई, पुलिस भी पूरी रात ढूंढती रही, यहाँ पहरे भी लगाते रहे वो लोग, तो कहीं नहीं मिली। सुबह को मिली है ये, 10:00 को मिली है, फिर 6 बजे रेलवे पटरी पर। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये फोन में लगभग मतलब रोती हुई आ रही थी उधर से, कच्चा भी नहीं था इस पर, कच्चा निकाल के पता नहीं क्या कर दिया। और रात ये बनियान थे सीधी, बनियान सेंडू बनियान पहने हुई थी, वो बनियान भी अंधी थी इसकी, खून में ये आ रही थी। एक बंदा गया लैट्रिन करने के लिए, जब उसने देखा ये किसी का बच्चा रो रहा है, पता नहीं किसका है, तब वो फड़के इसे ले आया यहाँ पे, अपने घर पे पहुँचा गया। फिर उसके बाद मैं आया इसे थाने लेके गया, थाने से तो पुलिस वाले हमको डिस्ट्रिक्ट में लेके गए अस्पताल में, अस्पताल से फिर रेफर किया तो वहाँ गए हम। नहीं ऐसे है ना, एक मिनट, पुलिस ने अभी तक क्या किया है? कार्रवाई की पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है पुलिस? तो ये पूछ रहे हैं वो लोग कि बताओ किसी पर शक है, अब ऐसे हम कैसे कह दें किसी पर शक है, मतलब हम किसी को यहाँ जानती भी नहीं है। अभी आपके यहाँ बच्ची का इलाज कराया, कहाँ कहाँ से इलाज कराया आपने? इलाज चंडीगढ़ से PGI से हो रहा है। पैसा किसने दिया? पैसा जब ये वहाँ एडमिट किया तब तो अच्छी देखभाल हो रही थी इसकी और उनका इलाज हो रहा था,
इसका ऑपरेशन भी हुआ है स्टार्टिंग में, पर अब जब हम 24 तारीख को बुलाया था 24 को नहीं पहुंच पाए, तब 25 तारीख को गए हैं इसको लेके बच्ची को। एम्बुलेंस का मतलब आप लोगों ने किसी ने कर दिया, पाजी ने भी चले जाओ तो एम्बुलेंस कर दिया डीजल पे, तो उसमें डीजल डलवाया हमने 2400 रुपये का। तब जाके इस बच्ची को लेके गए, दवाई लेके आए, अब नहीं देखते हैं वो ठीक से, अब नहीं। मैंने कहा कि बच्ची को दवा का लोड है, तो कह रहे हैं कोई दवा का लोड नहीं है, ले जाओ इसको। अब बच्ची किस समय भी परेशान है, बोले एक महीने बाद लेके आना। अब फिर मैं दवा हुआ यहाँ मेडिकल से अपने पैसे से ला रहा हूँ, जैसे लोग दे कल एमएलए आए थे, हाँ जी कल आए थे, कितने पैसे दे गए वो? एक भी पैसा नहीं दिया, नहीं दिए। सच बोल रहे हो? सच। पुलिस वालों ने 1000-2000 रुपए दिए थे जब हम वहाँ गए थे, चंडीगढ़ गए थे, तो उसके बाद में मतलब आए हैं तब देखा कि खर्चे के लिए नहीं है, तो 1000-1500 रुपए फिर दे गए हैं। हम ये चाहते हैं हमको इंसाफ मिले, पैसा वैसा की कोई भूख नहीं है, नहीं तो मेरे को अभी कोई बंदा दिखाया है कि ये मैंने फड़ा है, नहीं नहीं मतलब कुछ ना लड़की को कुछ दिखाया है, कुछ नहीं दिखाया। और वो तो ये कह दिया मेरे से, मैं तो वहाँ PGI में था, फ़ोन किया कि इनका सबका मैंने मेडिकल रिपोर्ट ले ली है, फिलहाल ये गुनहगार नहीं है, अब गुनहगार नहीं है तो इनको छोड़ दे रहे हैं। मैंने कि कुछ भी करो साहब, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? मैंने पूछा भी था, मैंने कही मतलब कोई बंदा है दिखाओ मुझे, तो कोई वो तो मेडिकल रिपोर्ट लेके मैंने छोड़ दिया, वो गुनहगार नहीं है। कल तो मेरी ये बच्ची है 5 साल की, ये बड़ी होगी, पूछेगी पापा ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो हम क्या जवाब दें? मेरे को इंसाफ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। मैं आज भी इंसाफ मांग रहा हूँ, बंदे को पकड़ो, बंदे को फड़ के मतलब उसे सजा दो। मामला ये है भी एक गरीब की बच्ची जिन्हों रात को फुटपाथ तो सुती चक के कोई जालम लै गया, इन्हें जो तुरदिश बच्ची की कीती है वो तुसी सारिया ने देखी है, पर अज तक ना प्रशासन ने तो ना ही साढ़े शहर के किसी पतवंदियां ने इस गरीब की सुध बुध ली कि तेरे नाल एडा जुलम होया तो असी तेरे नाल। ते मैं तो यही बेनती करती हाँ भई अज इंसानियत जिहड़ी उह बिल्कुल खत्म हो रही है, ये साडे सारिआं लई खतरनाक है। जे किसी के अंदर इंसानियत हैगी है तो इदां दे जुलम जिहड़े हो रहे सानूं सारिआं नूं इकट्ठे हो के उहदा विरोध करना चाहिए, उहनां जालमां नूं पकड़ के और कड़ी तो कड़ी सज़ा दे के, मैं तो कहिंदी फांसी की सज़ा भी बहुत घट है, इहनां नूं कुत्तिआं दे अगे पाउणा चाहिए फांसी की सज़ा दे। ये उह बच्ची है जिहदी दुर्गा माता की पूजा कर रही है, हिंदू लोग साल च 2 बारी नरात्या के चरण धोते हैं, इन्हों के तिलक लाते हैं, इन्ह के गाने बनते हैं, ये वो बच्ची है जिहड़ी अज उस दुर्दशा के नाल तो कोई शहर का 30-35 हज़ार की आबादी है साढ़े शहर की, एक भी बंदा नहीं आया क्योंकि ये गरीब सी नाले परदेसी सीगा, जे कि कोई लोकल होंदा तो शायद ये सड़क पर आ जड़िया कारा जाए एक भी ना चल जाती दिसती, इन्होंने इदा के जाम लाने से कि गरीब की जिंदगी ये गरीब का कोई नहीं। जे किसी के अंदर दिल धड़कता तो वो अंदर राही पर भी हमदर्दी हैगी है, तो उन्होंने इस गरीब ले जदोजहद रज के करनी चाहिए और उस जालवन पकड़ के कड़ी तो कड़ी सजा देनी चाहिए है। तो ये जोड़े विधायक है साढ़े विधायक साहब 19 दिनों बाद आए हैं, तो एक रुपया भी उस कंजक नहीं दे के गए जिन्हों के लोग पैर धोते हैं, तो जिन्हों के तिलक ला के तो नराते दुर्गा माता खुश करते हैं, एक रुपया भी
ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੋ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ DCP, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ, ਉਸਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਹੱਕ ਮੇਂ ਜੋ DCP ਹੈ ਉਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇਰਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਰੈਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਰੋਸ ਤੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਡਮ, ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਉਸਕੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ